देखिए, फैला लेना है, बिल्कुल मोटा नहीं करना है, पतला ही करना है, ये देखिए, और इसको डाल देते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो आपके साथ में रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी चीज़ होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग चीज़ होने वाली है दोस्तों। 5 मिनट में आप बना सकते हो, 10 मिनट में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप 5 मिनट में बना के खा सकते हो, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता, वो भी सुबह सुबह चाय के साथ में, अमेजिंग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप क्रिस्पी नाश्ता कैसे खा सकते हैं बनाकर, वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर। दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको, रेसिपी आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्रिस्पी नाश्ता, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की बहुत ही क्रिस्पी जो है पकौड़ी, यानी कि नाश्ता बनाने जा रहे हैं आलू का, बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता होने वाला है आलू का। तो ये आलू हमने ले लिए हैं, 4-5 आलू लिए हैं, इनको अच्छे से छील लिया है, ये देखिए आप छील लीजिएगा आलू को अच्छे से, ये देखिए दोस्तों। तो आज बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनने जा रहा है, तो बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको मज़ा ही आने वाला है। जब भी घर में कोई मेहमान आए, जल्दी से आप आलू का क्रिस्पी नाश्ता बनाकर उनको खिला सकते हैं और वो बोलेंगे वाओ कैसे बनाया, आपसे ज़रूर पूछेंगे रेसिपी। तो अभी आलू को छील लेते हैं, ये देखिए आलू को छील लेते हैं अच्छे से, और इसके बाद में आलू को हम धुल लेंगे। दोस्तों ये हमने कद्दूकस लिया और कद्दूकस की सहायता से हम आलू को घिस लेंगे, ये देखिए। तो आप भी ऐसे ही घिस लें आलू को, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये बना लेना है हमें आलू का, ये देखिए। तो ऐसे सारे आलू हम घिस लेते हैं। दोस्तों हमने आलू को घिस लिया है और यहाँ पर लिया है इनको अच्छे से, ये देखिए। अभी हम इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं आपको बताते हैं, बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता जो है हमारा बनने वाला है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, ये देखिए। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक, यहाँ पर स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, ये देखिए। नमक डालते ही यहाँ पर हम डालेंगे 3 चम्मच, ये देखिए, जो हमारे पास आटा है हम उसी का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने आटा लिया है, 3 चम्मच आटा लिया है, ये देखिए दोस्तों। अब इसको मिक्स कर लेंगे, आप आसानी से मिक्स कर लीजिएगा, ये देखिए। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं मिलाना है, सिंपली जो है इसको मिक्स करना है आलू को, जो आलू के ये बने हुए हैं, कसा हुआ है हमने आलू को, इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो दोस्तों इसमें डाली हमने हल्की सी मिर्च, ये देखिए बहुत ही हल्की सी डाली है, मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। तो हमको ऐसा ही बनाना है पेस्ट जो बनाना है आलू का, बहुत ही क्रिस्पी जो हमारी पकौड़ी बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनने वाला है आलू का, बस 2 मिनट में बनने वाली चीज़ है। यहाँ पर देखिए हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें डालेंगे ऑयल, ये देखिए। तो दोस्तों ऑयल पक चुका है, अभी यहाँ पर देखिए हम बनाते हैं पकौड़ी, बिल्कुल जो हमें बनानी है बहुत ही हल्की हल्की लेनी है, ये देखिए, और इसको गोल करना है, ये देखिए फैला लेना है, बिल्कुल मोटा नहीं करना है, पतला ही करना है, ये देखिए, और इसको डाल देते हैं। ये देखिए हम सारी ही ऐसी पकौड़ियों को कर लेंगे जो आलू की हैं, क्रिस्पी टेस्टी बनने वाली हैं, ये देखिए। बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए तो वो बेकार बनेगी, आप प्यार प्यार से इसको आसानी से डाल सकते हैं, ज़्यादा भरे ना कढ़ाई को, कमी रखोगे तो आपकी पकौड़ी बहुत अच्छी बनने वाली है। ये देखिए क्रिस्पी नाश्ता है, टेस्टी नाश्ता है, अगर आप बना के खाओगे ना तो बार बार यही नाश्ता आप बना के खाने वाले हो। ये देखिए डाल देते हैं ऐसी सारी पकौड़ियाँ, तो ये डाल दी हमने पकौड़ियाँ। तो दोस्तों जब तक हमारी पकौड़ी पक रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल का जिसका नाम है राहुल कपिल उसकी रसोई, उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे अगर आप हमारी रसोई हमारे चैनल के थ्रू अगर आप रेसिपी बनाकर यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए इसको उलट पुलट लेंगे, ये देखिए, और इसको अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी जो आलू के क्रिस्पी पकौड़ियाँ थी वो बिल्कुल तैयार है, नाश्ता बिल्कुल एकदम तैयार है। तो दोस्तों पकौड़ियाँ बनके बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। तो मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ कि पकौड़ियाँ कैसी बनी है, जो कि बहुत बेहतरीन नाश्ता है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों अमेजिंग, क्या बात है, ये देखिए अंदर तक टेस्ट ही टेस्ट भरा हुआ है। आप कभी भी जब कोई भी घर पे मेहमान आए तो आप आसानी से नाश्ता बनाकर उनको खिला सकते हैं, 10 मिनट का भी काम नहीं है, जस्ट 5 मिनट में आप पकौड़ी बना कर खिला सकते हैं। तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ कैसी बनी है। दोस्तों आवाज़ सुन रहे हो ना,
क्रिस्पी, गजब मज़ा ही आ गया। दोस्तों मेहमान भी आएंगे ना तो आपसे पूछेंगे कि कैसे बनाई है, तो दोस्तों ऐसे ही बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, कल मिलते हैं।